बनाया है सासू माँ ने, पूरा जेवर वेवर सब पहन के जाना है। ये बन चुका है मेरा फर्स्ट लड्डू और इसे ना लाड़ बोलते हैं, लाड़। अब ना सभी लोग मिलके सवाल पथाई करेंगे। अब मैं जा रही हूँ ये कढ़ाई पहुँचाने। क्यों कर रहा, क्यों कर रहा ये दादा दादी का है ना, क्यों कर रहा है? आप सभी को मेरा प्यार भरा पहलाक, मैं भूमि स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। और नए ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं मॉर्निंग के 10 बजे से। और अभी मैं सज धज के जा रही हूँ सुवाल पथाई में, क्योंकि अब ना बैसाख का महीना लग चुका है तो शादी जनेऊ वगैरह तो होंगे। तो आज हमारे गाँव में भी जनेऊ है, हम लोग वहीं जा रहे हैं। अभी सुवाल पथाई है तो मैं रेडी होके जा रही हूँ। मुझे घर भेज दिया है, बोला कि घाघरा पहन के आ। और अभी ना बहुत टाइम है बस सुवाल पथाई में, तो मैं घाघरा पहनने जा रही हूँ। अब ड्रेस रिजेक्ट हो चुकी है और फिर से तैयार होके आऊंगी। पोपट हो गया, घाघरा पहन के जाने हैं बल। और अभी सवाल बताया मैं बहुत टाइम है, पूरा जेवर वेवर सब पहन के जाना है। अब डांटो और डांटो, हमें डांटो और जाते हो जल्दी, तैयार भी होते हो। अभी तो बहुत टाइम है बल, मतलब अभी भी वो तैयार हो रहे हैं। मेरा घाघरा तो ऊपर ही होगा अलमारी में। अब मैंने कर लिया है अपना लुक पूरा चेंज, और कैसी लग रही हूँ जरूर बताना। और आज ना मेरा घाघरा मेरी सासू माँ ने पहनाया है, और ये देखो ये बनाया है सासू माँ ने। अब मैं चलती हूँ, बाय बाय नबू। वैसे ना घाघरा ऐसे ही पहन जाता है, इसको बोलते हैं गुन पहाड़ी भाषा में, समझे? चलो अब सबको दिखाया जाएगा। तो यही है भाई असली पहाड़ी लहंगा। यहाँ पे सभी लोग सुवाल पथाई के लिए तैयार हो चुके हैं। अब सभी लोगों का नाम आप लोग को लुक दिखाऊंगी। मैंने यहाँ पे आप लोगों को सभी का लुक दिखा लिया है। अब हम लोग सुवाल पथाई की ना तैयारी शुरू करते हैं, और आप लोग को हमारे गांव की महिलाओं का लुक कैसा लगा जरूर बताना। तो दोस्तों यहाँ पे हो रहा है सवाल पथाई का काम। अब मैं आपको लेके चलता हूँ नीचे, और नीचे ना क्या क्या तैयारियां हो रही हैं सब दिखाऊंगा आप लोगों को। चलते हैं। यहाँ पे हमने सवाल के लिए आटा भी गूंथ लिया है। अपना सभी लोग मिलके सवाल पथाई करेंगे। पंडित जी ने गणेश भी बना लिए हैं सामने। सवाल पथाई स्टार्ट हो चुकी है, और सबसे पहले 5 पूरी बनेंगे, और उनमें ना शुभ लाभ वाली डिजाइन बनेगी। अभी मैं आ गई हूँ सवाल पथाई से, और थोड़ा सा ना घर जाके आ रही हूँ, क्योंकि नमन को दूध भी देना है। मैं घर भी पहुँच गई हूँ, देखते हैं नमन क्या कर रहा है। ये भगवान चला नहीं जा रहा। नमू तो यहाँ दूध पी रहे है, दूध पी रहे हैं नम्मू तो। यहाँ पे चाची तिल गुड़ बांट रहे हैं, और ये ना सगुन होता है, इसे ना सब लोग खाते हैं जो सुवाल वगैरह बनाते हैं, और जो आए होते हैं अभी सुवाल पथाई में। यहाँ पे मैंने लाड़ बनाने के लिए आटा भी गूंथ लिया है। अब फटाफट से ना इसके लड्डू जैसे बना लेते हैं। ये बन चुका है मेरा फर्स्ट लड्डू, और इसे ना लाड़ बोलते हैं, लाड़। सारे लड्डू भी बना दिए हैं, अब चलते हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा भूख लग चुकी है। मेरा तो कल भी फास्ट था, आज भी एक बज चुका है, तो फटाफट से ना खाना भी खा लेते हैं। हम लोग अभी आ गए हैं खेत में खाना खाने के लिए। तो ये पीछे बना हुआ है खाना, और यहाँ पे ना रखा हुआ है, और इसमें से ना हम लोग खुद ही निकाल के खाएंगे। आधे से ज्यादा लोगों ने खाना तो खा लिया है, और हम सवाल पथाई वाले ना बचे हुए थे, तो हम भी अब फटाफट से खाना खा लेते हैं। और यहाँ पे मैं मस्त सा खाना लेके आ चुकी हूँ, और खाने में है झोली भात और चटनी। कैसा हो रहा खाना? बहुत टेस्टी। तो दोस्तों हमने ना मस्त सा खाना खा लिया है दिन का, अब चलते हैं घर को। सब शाम को होगा, शाम को कथा होगी, फिर कल दिन होगा, 2 दिन लगते हैं मतलब। अब हम लोग ना घर आ चुके हैं, अब थोड़ा सा ना हम लोग रील्स भी बनाएंगे, क्योंकि काफी दिनों बाद मैंने ये ड्रेस पहना हुआ है। लेकिन नमन सोया हुआ है, उससे पहले मैं नमन को देख के आती हूँ। उठाया नहीं अभी, मैं जा रहा हूँ वहाँ फिर से, क्योंकि ना अभी शाम के लिए पूरिया वगैरह बनानी है, तो आटा वाटा गूंदना होगा, तो हम करके आते हैं। अभी यहाँ पे सभी लोग ना खाने की तैयारी कर रहे हैं शाम की। उधर बन रही है सब्जी, और इधर बन रही है पूरियां।
खाने गई थी और वहाँ ना सारी पूरियां बन चुकी हैं। अब मैं फिर से घर आ चुकी हूँ और मेरा गुंडा उठ गया, इतना बड़ा मुंह खोल रहा है। शाम हो चुकी है और हम फिर से जा रहे हैं जनेऊ वाले घर में, तो देखते हैं खाने लग गया या नहीं खाने लग गया, क्योंकि आगे से नहीं जा पाई। नमन भी उठा हुआ था, मिस्टी भी उठी हुई थी, ऊपर से हमने दादा के लिए ना रोटी भी बनानी थी, तो रोटी तो दीदी ने बनाई और मैं ना नमन के साथ थी और मम्मी मिस्टी के साथ थे। चलते हैं देखते हैं वहाँ खाने लग गया नहीं खाने लग गया करके। शाम के डिनर की बारी आ गई है, सबसे पहले मम्मी और भाई के लिए घर ही लेके आते हैं, तो हम जा रहे हैं घर खाना लाने के लिए, डेक वगैरह। अभी आ रही है भाभी मेरे साथ और भूमि नमन को फिटिंग करा रही है, फिर हम सब साथ में जाएंगे। मम्मी लोग के लिए तो खाना ला गए हैं घर, जेठानी जी और मेरे हस्बैंड जी मिलके, तो अब हम लोग जा रहे हैं, मेरे हस्बैंड जी और मैं ही जा रहे हैं खाने के लिए, क्योंकि पापा तो कहीं गए हुए हैं और दद्दक तो बुखार आया है, साथ ही ना दीदी को महक को भी देखना है और मम्मी ने नमन को देखना है, इसलिए हम दोनों ही जा रहे हैं खाने के लिए। तो चलते हैं फटाफट से और देखते हैं खाना कैसा बना। और अभी मैं रुका हूँ अभी मंदिर पे और ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मंदिर से, तो मुझे जाना है अभी कपकोट, क्योंकि ना कुछ पार्सल आ रखे हैं नमन के, तो वो देखते हैं कि कैसे आ रखे हैं क्या आ रखे हैं, दिखाते हैं आप लोगों को और फटाफट से लेके आते हैं। आज मॉर्निंग के टाइम पे ना पार्सल वाले का फ़ोन आ गया था कि तुम्हारे कुछ पार्सल आ रखे हैं करके, फटाफट लेके आते हैं। फिर गाँव में जनेऊ भी है तो वो भी दिखाएंगे। मॉर्निंग पे जा रहा हूँ भाई फटाफट से आज, और आज मैं ले जा रहा हूँ भूमि की स्कूटी एक्टिवा। मैं आपको सीधा मिलता हूँ कपकोट पे, रास्ते का तो मैंने आपको हमेशा दिखा रखा है। तो कैसा पार्सल लेके आ गया था कपकोट से, तो ये रहा, देखते हैं कि अब इसमें क्या चीज़ है नमन के लिए। देखो ओले, मेरे गुन्नू के सैंडल। तो इसमें थे नमन के सैंडल और जो काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, बट ना उसमें अलग ही दिखते हैं ना ये। तो दोस्तों ये रहे नमन के सैंडल, कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और ये आवाज आ रहे हैं भाई, अरे हमारा बाबू उड़ गया। हाँ। अरे नमन उड़ गया, गुड। ये देखो नमन के न्यू सैंडल पहनाएंगे नमू को। नमन आपके न्यू सैंडल देखो। हाँ देख रहा है कितने प्यार से देख रहा है। आप नमन वॉकर वाली गाड़ी चलाएगा सैंडल पहन के ना, बड़े हैं थोड़ा सा बड़े हैं बस। चलेगा ना यार, बढ़ता हुआ बच्चा है, थोड़ा बड़ा चलेगा, छोटा नहीं चलना चाहिए, बड़ा चल सकता है। देखो इसके पहनना, देखो इसके बारे में पीछे। चलो दूसरा भी पहनते मम्मा, दूसरा भी। आजा आजा आजा, देख रहे हैं कंफ्यूज हो गया। कंफ्यूज, फिर से आवाज आ रही ना पैरों से। हाँ आएगी आप पैरों से आवाज। सो गाइस मैं कपकोट से आ गया था पार्सल लेके नमन का, तो अभी ना जनेऊ का दूसरा दिन भी है, तो आज ना सुबह सुबह जनेऊ हो गया था तो मैं दिखा नहीं पाया, तो जिनका लंच का टाइम है तो सभी गांव वाले खा रहे हैं, तो मैं दिखाऊंगा और खुद भी खा के आएंगे। तुम टाइल तोड़ोगे क्या यहाँ के? कोई बात नहीं बेटा, सब तोड़ना ठीक है, सब मैं लगाऊंगा, ये सारे तोड़ना जितने भी दिख रहे हैं। किधर आपको भी आना है मेरे साथ बात खाने के लिए? आजा फिर आजा, जो कितना जीत ऊपर को आने के लिए कर रहा है, देखो तो ये ताकत है क्या पापा। आजा आजा, बाप रे कितनी ज्यादा आफत आ रखी है मैं इसकी, देखो तो। दोस्तों जाके आता हूँ पहले ना गांव के सयाने और जितने भी लगता है बर्फ पड़ने वाली है। हस्बैंड जी भी आगे हैं खाना खा के, और अभी ना मैं नमन को भात खिला रही हूँ, और ये भात ना वो जनेऊ वाला भात है जो काफी ज्यादा टेस्टी हो रहा है, मैंने भी चख लिया, साथ ही नमन को भी खिला रही हूँ, क्योंकि आज हमने ना घर में खाना भी नहीं बनाया और ना आज मुझे वहाँ जाने का टाइम भी नहीं मिला है। सुबह गई थी मैं सब्जी वगैरह काट के आई, उसके बाद से ना टाइम ही नहीं मिला, नमन के साथ ही थी ना आज। क्यों कर रहा है ये, दादा दादी का है ना, क्यों कर रहा है? जब से वॉकर में गया ना तब से को फ्रीडम मिल गई बहुत ज्यादा, पैर जमीन में है ही नहीं लाड लेके, इधर उधर इधर उधर। मैं जनेऊ वाले घर से खाना खा के भी आ गई थी और आके ना मैंने नमन को भी छुला लिया है। अब मैं फिर से जा रही हूँ बर्तन मलने के लिए, आधे बर्तन आगे मल दिए थे और आधे ना और बचे हुए थे, तो उनको भी मल के आते हैं फटाफट से। अभी तो यहाँ पे कुछ लोग खाना ही खा रहे हैं और बर्तन तो सारे यहीं पर के यहीं पे हैं। अभी मैं कुछ धोतियाँ ऊपर ले जा रही हूँ, हमारे यहाँ ना नामकरण हो, जनेऊ हो, सभी संस्कार में ना धोती वगैरह बांटते हैं, तो मैं उनको ऊपर लेके जा रही हूँ, क्योंकि ये बच गए थे ना तो किसी और के काम आ जाएंगे। आपको मिल गया पिटोली। अब हमको ना इतने बड़े बड़े बर्तन मांजने हैं, यहाँ पे ना इतने बड़े बड़े बर्तन हैं और पहले ना इनमें पानी डाल लेते हैं। तो हम लोगों ने न
ना इतने सारे बर्तन और मांजने हैं। आधे बर्तन धो दिए हैं तो मैं उनको ना घर में पहुंचाने के लिए जा रही हूँ, और आधे लोग ना अभी मल ही रहे हैं। तो हमारे गांव में ऐसे ही होता है, मतलब सब मिलजुल के ना काम करते हैं। मैं ड्रग खाली करके भी लागी हूँ, अब मैं इसमें ना फिर से बर्तन पहुंचाने जाऊंगी घर को। अब मैं जा रही हूँ ये कढ़ाई पहुंचाने जनेऊ वालों के घर में। फाइनली कढ़ाई लेके मैं पहुंच चुकी हूँ जनेऊ वाले घर में, और इतने सारे बर्तन थे जो हमने मल लिए हैं। अभी भी थोड़ी बहुत बर्तन बचे हुए हैं तो उनको भी मल के आते हैं फटाफट से। मर गई तो इतने बड़े बड़े बर्तन सारे मलने पड़ते हैं। हमारे यहाँ ज्यादातर ना गांव के महिलाएं काम करती हैं, टेंट वालों को बहुत कम बुलाते हैं।